हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं जहां पर होंगे अच्छे ही होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग का मैच नंबर 19वां लेकर आ चुके हैं आप सभी दोस्तों के सामने पीएसएल का। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग का आज का यह मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स के बीच में खेला जाएगा, जो कि 19th मुकाबला है, 19वां मुकाबला है। बात करते हैं ग्राउंड के बारे में, तो यह मुकाबला आप सभी दोस्तों को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में देखने को मिलने वाला है। चलिए चर्चा कर लेते हैं दोस्तों वेदर के बारे में। तो वेदर यहां पर दोस्तों क्लियर नजर आ रहा है, हालांकि दोस्तों शाम 7:30 बजे से मुकाबला खेला जाएगा, इसलिए दोस्तों ड्यू फैक्टर भी रहने वाला है वहां पर। दोस्तों ड्यू का भी थोड़ा बहुत रोल नजर आने वाला है, हालांकि दोस्तों धीरे धीरे मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी से दोस्तों गर्मी की तरफ बढ़ रही है, इसलिए दोस्तों उतना अहम रोल नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर रहने वाला है। चलिए चर्चा करते हैं दोस्तों पॉइंट टेबल के बाद में पिच रिपोर्ट के बारे में चर्चा करूंगा अब, लेकिन पॉइंट टेबल की बारी आ चुकी है। तो बता दूं दोस्तों, पॉइंट टेबल में अभी तक इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टोटल 5 मैचेस खेले हैं। 5 मैचों में से बात करूं तो 3 मुकाबले में जीत मिली है और 2 मुकाबले में हार मिली है। वहीं बात करें कराची किंग्स की, तो कराची किंग्स अभी तक दोस्तों टोटल 6 मैच खेले हैं और 6 मैचों में से दोस्तों 2 में विन किए हैं और कहीं ना कहीं दोस्तों 4 मैचों में हार का मुंह देखना पड़ा। कहीं ना कहीं दोस्तों कराची किंग्स थोड़ा लो नजर आ रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड के टीम में, इस्लामाबाद यूनाइटेड के सामने। लेकिन क्या कुछ होगा ये तो दोस्तों 19वें मुकाबले में आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि दोस्तों वक्त किसके पक्ष में जाए ये तो दोस्तों आने वाला समय ही बताएगा क्या कुछ होने वाला है। चलिए चर्चा कर लेते हैं दोस्तों पिच रिपोर्ट के बारे में। तो बता दो दोस्तों इस ग्राउंड पर, जी हाँ दोस्तों पिच रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो इस ग्राउंड पर पहली पारी में एवरेज स्कोर 166 रन, वही दूसरी पारी में एवरेज स्कोर 153। कहीं ना कहीं दोस्तों ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आ रहा है, जबकि इस ग्राउंड पर 221 रन हाईएस्ट बनाया गया और 217 रन हाईएस्ट चेज किया गया। कहीं ना कहीं दोस्तों पहली पारी हो या फिर दोस्तों दूसरी पारी हो, दोनों ही पारियों में दोस्तों बैटिंग करना अच्छा खासा अहम रोल लेने वाला है और आसान भी है, जबकि इस ग्राउंड पर लोएस्ट स्कोर जो कि बनाया गया वो मात्र 62 है, जबकि हाईएस्ट डिफेंडेड स्कोर की बात करें, लोएस्ट डिफेंडेड स्कोर की बात करें तो 144। कहीं ना कहीं दोस्तों इस ग्राउंड पर अच्छे खासे स्कोर चेज होने वाले हैं, इसलिए दोस्तों इस ग्राउंड पर अपना टॉस का भी एक अहम रोल रहने वाला है और जिस भी टीम का कप्तान टॉस जीतेगा अपने अपोनेंट को कहीं ना कहीं दोस्तों गेंदबाजी से बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित करने वाला है और गेंदबाजी से दोस्तों उसकी शानदार तरीके से घुटने पर टेकने के लिए मजबूर करने वाला है। चलिए बात करते हैं दोस्तों अब कुछ की प्लेयर्स के बारे में जो कि आज के इस बेहतरीन मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों सबसे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से पहला नाम निकल कर आता है टीम के कप्तान शादाब खान, जो कि शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ सकते हैं, गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों से प्रदर्शन करते हुए नजर आ सकते हैं। इनके साथ में दोस्तों ओपनर बल्लेबाज आसिफ अली जो कि बैट्समैन है दोस्तों शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं, जबरदस्त लय में नजर आ रहे हैं। वहीं एक खिलाड़ी मोटे कट के खिलाड़ी दोस्तों बात करते हैं आजम खान के बारे में, जो कि दोस्तों चर्चा में बने रहते हैं किसी न किसी वजह से, लेकिन लंबे लंबे छक्के मारने के लिए दे जाते हैं। कहीं ना दोस्तों कहीं पीएसएल के 19th मुकाबले में इन पर भी सभी की नजरें रहने वाली हैं, जबकि कॉलिन मुनरो टीम के ओपनर बल्लेबाज भी दोस्तों खतरनाक तरीके से प्रदर्शन करते हुए आप सभी दोस्तों को देखने को मिल सकते हैं, जबकि एक और ऑलराउंडर टॉम करन का भी दोस्तों शानदार प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। वैसे आप सभी दोस्तों को बता दूं एक और बल्लेबाज वंडरसन भी दोस्तों शानदार प्रदर्शन करते हुए एक जबरदस्त तरीके से बेहतरीन नजर में आने वाले हैं। चलिए चर्चा कर लेते हैं दोस्तों अब कराची किंग्स की तरफ से। तो कराची किंग्स के कप्तान है इमाद वसीम, जो कि शानदार ऑलराउंडर है दोस्तों, गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से अच्छा प्रदर्शन करते हुए आप सभी दोस्तों को देखने को मिल सकते हैं। वहीं स्वेग मलिक भी दोस्तों कहीं ना कहीं जबरदस्त तरीके से गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों तरीके से अच्छा प्रदर्शन आप सभी दोस्तों को करते हुए नजर आने वाले हैं, जबकि जेम्स विंस टीम के ओपनर बल्लेबाज हैं दोस्तों, शानदार प्रदर्शन करते हुए आप सभी दोस्तों को देखने को मिल सकते हैं। वहीं स्पिनर गेंदबाज के रूप में इमरान ताहिर, जो कि शानदार तरीके से दोस्तों अपनी स्पिन के जादू से परेशान करते हैं बल्लेबाजों को, कहीं ना कहीं दोस्तों इन पर भी सभी की नजरें रहने वाली, जबकि ऑलराउंडर के रूप में दोस्तों एक और खिलाड़ी बेन कटिंग भी दोस्तों शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आने वाले हैं। वैसे आप सभी दोस्तों को क्या लगता है 19th मुकाबला पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग का, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स के बीच में खेला जा रहा है, कौन सी टीम होगी विनर कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिए। साथ ही साथ दोस्तों बादशाह भाई यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी लाइक करें, हो सके दोस्तों जहां तक अपने फ्रेंड सर्किल में बादशाह चैनल को शेयर भी करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।